हेलो एवरीवन, फेस्ट स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। अभी हम निफ्टी 500 स्टॉक में से स्टॉक पिक कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करके देख रहे हैं कि इस स्टॉक में अभी बाइंग पॉसिबल है या सेलिंग करना है। बेसिक एनालिसिस करके देख रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या अभी रिजल्ट आने वाला है, मतलब अभी अभी का जो करेंट कंडीशन है उसके बेस पे हमें उस स्टॉक पे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, एक नया स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्निकल और फंडामेंटल से रिलेटेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड मैं वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड करने वाला हूँ। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने दो स्टॉक देखा था, अभी तीसरा स्टॉक हम देखते हैं, ABV इंडिया लिमिटेड। तो निफ्टी 500 का स्टॉक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि निफ्टी 500 स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये इंडिया की जो जो टोटल स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम है उसकी, जो NSE की, उसमें से 95% जो फ्री फ्लोट वॉल्यूम है वो इन 500 कंपनी में से आती है। तो इसका मतलब इसमें हमेशा वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट होता है। आप अगर किसी छोटे मोटे स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, लोअर सर्किट लगता है तो आप निकल नहीं पाते, या अगर कभी बाय करने जाते हैं तो अपर सर्किट होता है तो आप बाय नहीं कर पाते हैं। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाता है या उसमें मूवमेंट हो सकता है, आप वो स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो होता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेस्ट है कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम्स होता है। तो चलिए अभी स्टॉक देखते हैं, ABB इंडिया स्टॉक के अंदर क्या बेनिफिट है, क्या बेटर है, नहीं है, देखते हैं अभी। ABB इंडिया, ओके। तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टॉक को आपको देखना है वो कैंडलस्टिक चार्ट में आप देखिए, राइट, ताकि आपको पता चले कि स्टॉक के अंदर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रही है या सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रही है। कैंडलस्टिक चार्ट में कम से कम 25 से 30 कैंडल्स हैं जिसको आपको भी अलग से जानने की ज़रूरत है, तब आप फिर और फाइन ट्यून कर सकते हैं, राइट। बुलिश के अलग हैं, बेयरिश के अलग हैं, न्यूट्रल कैंडल अलग हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न अलग हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो ऐसे बहुत अदर इंडिकेटर्स हैं, तो मैं आप एक बेसिक जनरल आइडिया बता देता हूँ। तो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है पॉजिटिव, इसमें बाइंग हो रही है, और रेड का मतलब होता है सेलिंग हो रही है। तो ओवरऑल आप इसको डे के बेसिस पे आप देखिए, एक दिन का जो कैंडल है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके से है। तो डे के बेसिस पे ये अभी पॉजिटिव है, मतलब डे के बेसिस पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, ओवरऑल एक पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद फिर आप वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे आप देखिए, ओवरऑल आपको पता चलेगा कि वीकली फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। वीकली पॉजिटिव कैंडल है, वीकली नेगेटिव है, वो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद मंथली भी आप एक बार देखें, मंथली भी देखने से आपको पता चल पाता है कि स्टॉक के अंदर कैसा मोमेंटम चल रहा है, राइट। तो अभी मंथली भी देखते हैं इसको एक बार। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें, स्टॉक अप ट्रेंड में है, और 2007 के बाद अगर की बात करें तो उसके बाद से लेके अभी तक ये साइडवेज मार्केट में है, ये कंसोलिडेशन मार्केट में है। तो अभी अगर इसको ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, जो 1500 के आसपास का लेवल है, 1500-1600 के आसपास का जो लेवल है उसको अगर ब्रेकआउट करता है, देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे, राइट, तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये तो बहुत अच्छा और ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं। तो ये हो गए पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया कि आपको कैंडलस्टिक में देखना है, दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको डेली, वीकली और मंथली देखना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको जो भी पैटर्न देखें कैंडलस्टिक का या जो भी इंडिकेटर देखें वो आप उसको एक ट्रेंड भी देखना जरूरी है। उस स्टॉक का जो ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। पॉजिटिव ट्रेंड में है तो चांसेस है, आप अगर बाय करते हैं तो और ऊपर जाने के चांसेस है। अप ट्रेंड है तो कंटिन्यू अप ट्रेंड हो सकता है, अदर फाइन ट्यून करेंगे अभी हम। डाउन ट्रेंड है तो अवॉइड करें बाइंग के लिए। साइडवेज मार्केट है तो उसका एक ब्रेकआउट के लिए आप वेट करें कि ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेकआउट होता है तो नीचे जाने के चांसेस हैं। तो साइडवेज मार्केट में आप वॉच करें, तो आपको ट्रेंड्स भी देखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंट। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको देखना है। सपोर्ट जो लेवल है उसका,
सपोर्ट लेवल जो ऑल टाइम उसका बॉटम लेवल होता है उसको सपोर्ट मानते हैं, और जो रेसिस्टेंट होता है उसको ऑल टाइम जो उसका हाई होता है उसको रेसिस्टेंट मानते हैं, जहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट हुआ। जैसे ये लेवल जो है कि रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली सेम उसी प्राइस पे वापस से वो गिरा था, राइट। तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, और ये अगर देखें ये देखिए सपोर्ट लेवल है, यहाँ से देखिए बड़ा था फिर गिरा फिर ये उसी प्राइस से फिर बढ़ा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल भी आपको पता होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर आता है, अब RSI पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस स्टॉक में अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करूं तो ये ऑलरेडी एक अभी साइडवेज मार्केट में है, मैं अभी इसका ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ब्रेकआउट के बाद मैं इसमें पोजीशन बिल्ड करने के बारे में सोच सकता हूं। अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम के बारे में, RSI देखते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा मंथली है, मैं वीकली करके देख लेता हूँ या डेली देख लेते हैं। तो RSI के बेस पे अगर बात करा जाए तो RSI ऑलरेडी अभी मिड लेवल पे है, बॉटम से रिकवर होके अब ये ऊपर आ चुका था। देखिए अभी ये मिड लेवल पे है, RSI जो है वो 51 के आसपास का है, राइट। तो और उसका MACD में बाइंग सिग्नल आ चुकी है, आप MACD के बेस पे अगर चाहें तो इसमें बाय कर सकते हैं। RSI का भी अभी पॉजिटिव अभी तक सिग्नल है, बाइंग के रेंज में है। स्टोकास्टिक में ओवरवैल्यूड हो चुका था, वहाँ से वो नीचे हल्का सा करेक्शन हो रहा है, राइट। RSI में हमने देखा RSI में पॉजिटिव है, उसके बाद एक और इंडिकेटर है MACD, MACD में भी देखिए पॉजिटिव है। और RSI की और स्टोकास्टिक RSI की बात करें तो स्टोकास्टिक RSI में भी ये एक पॉजिटिव साइन दे के अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये हो गए टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर यूज करते हैं मोस्टली, उसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज बहुत तरीके के होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन किस तरीके की है, ताकि आप उसी बेसिस पे आपको उस इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अभी जैसे कि जो मैं आपको मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ, तो वो बहुत 1 महीने के बेसिस पे आप ले सकते हैं, या 1 महीने 2 महीने के बेस पे आप इस पे इस पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ब्रेकआउट ये दे चुका है, तो इसका मतलब आप इसको अभी बाइंग के बारे में कंसिडर कर सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। तो जो भी मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज का सबका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का अलग है, 1 महीने के लिए अलग है, 1 वीक के लिए अलग है, तो सबका अलग अलग मूविंग एवरेज है। तो मैं आपको एक इन जनरल छोटे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ कि आप अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसके अंदर बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है। और कुछ महीने की अगर बात करें तो महीने के बेसिस पे भी देखा जाए तो भी ऑलमोस्ट बाइंग सिग्नल ऑलमोस्ट जनरेट होने वाला है, राइट। तो ये हमने देखा अभी टेक्निकल एनालिसिस देखा। अब हम देखते हैं स्टॉक की फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी प्रॉपर नेटवर्थ पॉजिटिव बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, पी रेशियो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अब इस स्टॉक का हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो शॉर्टेड टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है, लॉन्ग टाइम में अदर चीज़ें हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं स्टॉक का। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ है, और बुक वैल्यू इसकी 175 है, ROC 17.70 है, स्टॉक पी 58% है, पी मतलब 58 है ज़्यादा है, ROE 12% 31% है, राइट। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है 0.33% के बेस पे दे रही है, राइट। और सेल्स ग्रोथ जो इसका है 5.54% के आसपास का है। और इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉस क्या है कि कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.49 ओवर 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से 25% के बेस पे रिटर्न मिला है, अच्छा है, निफ्टी को बीट कर रहा है कंपनी। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 23.66%, अच्छा डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, अच्छी बात है। उसके बाद फिर कॉन्स देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है इसमें। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.57 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, 7 टाइम्स हाई है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर ग्रोथ 3.74% ओवर 5 ईयर्स, जो ग्रोथ इसकी हुई है 3.75% पे हुई है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, पिछले 3 साल से 11% है, पहले बहुत अच्छा था, 5 साल का अगर देखें तो देखिए इक्विटी में अच्छा रिटर्न रहा है, लेकिन अभी इसका पिछले 3 साल से 11% का इक्विटी में रिटर्न रहा है, 11.43%।
तो पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेम कंपनी जो है इसकी, इसके जो कॉम्पिटिटर हैं सेम इंडस्ट्री के, तो उनकी और इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा कितना पॉजिटिव है। तो अगर एबीबी की बात करें तो पी रेशियो अगर देखा जाए तो इन सेक्टर में से सबसे हाईएस्ट पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो किस कंपनी इसके कॉम्पिटिटर हैं? बीएचईएल, सीमेंस, हैवेल्स, क्रॉप्टन एंड ग्रेव्स, जीईटी इंडिया, जी पावर, राइट? और डिविडेंड ऑलमोस्ट सारी कंपनी डिविडेंड दे रही है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप में ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ी कंपनी है हैवेल्स इंडिया, उसके बाद सीमेंस है, उसके बाद फिर ये आता है, उसके बाद फिर आता है बीएचईएल, राइट? तो डिविडेंड की बात अगर करें तो डिविडेंड में भी 0.33% है, और नेट क्वार्टर की बात करें तो नेट क्वार्टर सीमेंस के मुकाबले थोड़ा सा कम है इसका, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी तीन चार तीन कंपनी से नीचे है। और क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बीएचईएल से कम है लेकिन सीमेंस से ज़्यादा है और हेवल से भी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो अच्छा है, बैलेंस क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट इसमें बड़ा है, और सेल्स क्वार्टर की बात करें तो सेल्स क्वार्टर भी इसकी ठीक ठाक है, बीएचईएल से कम है, सीमेंस से कम है लेकिन हेवल से ज़्यादा है, राइट? तो अदर क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए सेल्स जो है इसका ऑलमोस्ट सेल्स में ग्रोथ हो रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका स्लो एंड स्टेडीली बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर एनुअल रिटर्न की अगर बात करें, एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो एनुअली इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी एनुअली इसमें काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी इसमें काफ़ी, देखिए काफ़ी सेल्स ग्रोथ भी कंपाउंडली बढ़ रहा है, मतलब बहुत स्लो है, बहुत अच्छा नहीं है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट ठीक है, पिछले 10 साल की अगर बात करें तो 10 साल के बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको 10 साल में जिस लेवल पे था उस अभी उसी को बीट नहीं कर पा रहा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 10 साल में 10.53% है, 5 साल में 10% है, तो 10% के ऑन एन एवरेज के बेस पे चल रहा है, यानी निफ्टी इंडेक्स से कम है, निफ्टी इंडेक्स को ये बीट नहीं कर पा रहा है। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिटर्न इस पे एक्सपेक्टेड नहीं है अभी, तो इससे अच्छा तो आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इंडेक्स बेस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप 17-18% तो अर्न कर सकते हैं एटलीस्ट निफ्टी के बेस पे। तो जो भी 10% से कम रिटर्न देते हैं तो उसको मैं बहुत अच्छा कंसिडर नहीं मानता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है वो, राइट? और आपको पता नहीं है, 10% ऑन एन एवरेज अभी दिया है, आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आप अगर लॉन्ग रन में रहें तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपके लिए 10% से अगर ज़्यादा नहीं है या 15% से ज़्यादा नहीं है या निफ्टी को अगर बीट नहीं कर रहा है कोई स्टॉक्स, तो मतलब मैं उसको बहुत अच्छा स्टॉक मैं कंसिडर नहीं कर सकता। बाकी आपकी चॉइस है, मेरा बस इन्फॉर्मेशन ये था कि मैं आप तक ये पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बेसिक चीज़ें जो है, अब बहुत डीपली तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो मैं आपको एक बेसिक जनरल आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको कभी भी किसी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक क्या पॉइंट देखनी ज़रूरी है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर तो आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।